हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? अगर आप लोग सुन पा रहे हैं, बट आईपीएस का मैसेज ड्रॉप कर दें। एंड आप सभी के पास अब अथॉरिटी है कि आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग को बैठ के लगाए, कोई भी सो के मीटिंग ना लगाए। और जो सो के लगाएगा मीटिंग, वो ऑटोमेटिक मीटिंग से लीव हो जाएगा। हाँ जी, सो रेडी हो सभी आज की मीटिंग के अंदर कुछ सीखने के लिए? हाँ जी, एक्साइटेड हो? क्या बात है जी, ग्रेट। सभी रेडी हैं? मैं भी रेडी हूँ आप सभी के साथ मीटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो एक बार मुझे यहाँ पर कंफर्म करें कि आप किस किस एरिया से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, किस एरिया से बैठ के आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अपने अपने एरिया का नाम टाइप करें आप सभी। ओके, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, इलाहाबाद, बिहार, यूपी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड, असम, चंडीगढ़, बेतिया, झारखंड, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद। क्या बात है, काफ़ी तेज़ी से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से लोग बैठे हैं आज की इस मीटिंग के अंदर, और काफ़ी सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे। हाँ जी, कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं? वो टाइप वन करना जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। चलो ठीक है जी, तो मीटिंग के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ में अपना जर्नी अपनी बताऊंगा आप सभी को। सो आप जर्नी से समझ पाएंगे कि आप का फ्यूचर भी सेम है अगर आप डिसीजन लेते हो तो, राइट? सो गाइज, मेरा नाम राहुल मौर्य है, और आप सभी की तरह ही मैंने फॉर एवर लिविंग के बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 6 साढ़े 6 साल पहले। ठीक है जी, बिजनेस को देखा, अंडरस्टैंड किया, एफर्ट्स लगाए, काम करना स्टार्ट किया, और उसका रिजल्ट ये है कि आज लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। ठीक है, आज जो मंथली इनकम में अप्रोक्स 3-4 लाख के बीच रहती है मेरी मंथली इनकम, ठीक है, और सेम आपकी तरह मैंने स्टार्ट किया था। एक फर्स्ट जो लेवल आप सभी ने किया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, AS लेवल से मैंने भी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, और AS लेवल करने का एक मेन मोटिव था कि आज नहीं तो कल किसी दिन एक अच्छी इनकम तक पहुंचेंगे, महीने का हम भी लाख रुपए कमाएंगे, मैनेजर बनेंगे, ठीक है, और टीम में मैनेजर बनाएंगे। आज खुद भी मैनेजर हूँ, आज टीम में काफी सारे मैनेजर्स हैं, ठीक है, इवन सीनियर मैनेजर भी टीम के अंदर मेरे, जो कि आज 50-60 हज़ार रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, राइट? तो सेम फ्यूचर है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मीटिंग का वो यही है कि रोड टू मैनेजर, मैनेजर तक कैसे जाए। सो आप मैनेजर बनना चाहते हो? हाँ जी, सभी चाहते हो? कुछ लोग बड़े उदास से बैठे हैं मीटिंग के अंदर, लग नहीं है मैनेजर बनने के लिए आए हैं। तो अगर मैनेजर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि सबसे मेन गेम है पॉजिटिविटी। एक पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंसान ही मैनेजर बनता है। सेकेंड चीज, आपका गोल होना चाहिए आपके पास कि मुझे मैनेजर बनना है, तो कब तक बनना है मुझे मैनेजर, राइट? थर्ड चीज, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, जो आपके हाथ में भी मुझे दिखनी है ये, ठीक है, वो डायरी होनी चाहिए आपके पास जिसमें आप अपना गोल सेट करोगे, अपने लाइक टारगेट को लिखोगे कि मुझे मैनेजर बनना है तो किस टाइम तक बनना है, ठीक है। आपने मीटिंग लगाई होगी दानिश खान जी के भी 2-4 दिन पहले, गोल सेटिंग की अटेंड की थी। किस किस ने लगाई थी मीटिंग? काफी सारे लोगों ने लगाई थी मीटिंग, तो उसमें सर ने बताया था कि गोल सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि विदाउट गोल आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो सेम है, अगर मैनेजर बनना है तो उसका भी एक गोल आपके पास होना चाहिए, राइट? और उस गोल के ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब AS लेवल अपना कंप्लीट किया था, जब मुझे प्लानिंग दी थी मेरी अपलाइन ने, तो जब मैंने लाइक प्रॉपर प्लानिंग को समझा, काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, लेकिन टाइम लगा, लेवल अचीव हो गया, और उस लेवल को अचीव होने का ही बेनिफिट है कि आज अच्छा लाइफस्टाइल बन चुका है, ठीक है, फॉर एवर लिविंग से ही ऑलरेडी लाइक इस साल 5 ट्रिप किए मैंने, ठीक है, 3 इंटरनेशनल 2 डोमेस्टिक, ठीक है, साथ में कार प्लान अचीवर हूँ फॉर एवर लिविंग के अंदर, जहाँ पर मेरी इनकम के अलावा मुझे हर महीने अलग से कार के लिए इंसेंटिव मिलता है 26,000 रुपये का, ठीक है। तो सेम ऐसे लाइक इंसेंटिव आप भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि मैनेजर तक पहुंचते ना आपको काफी सारे इंसेंटिव के बारे में पता लगेगा, क्योंकि फॉर एवर में एक इनकम नहीं, बहुत सारी इनकम आती,
ठीक है, वो सारी इनकम के बारे में आपने प्रॉपर डीपली नॉलेज लेनी है तो आप मार्केटिंग प्लान का सेशन अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको किस किस तरीके से कौन कौन सी इनकम आती है वो सारी चीजें पता लगेंगी। ठीक है, सो आप सभी का गोल है मैनेजर। अब मैनेजर मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजर, क्या मैनेजर का मतलब है, क्या मीनिंग है मैनेजर का? हाँ जी, सक्सेसफुल होना, और क्या मतलब हो सकता है मैनेजर बनने का? ड्रीम पूरे करना, एक अच्छी इनकम तक पहुंचना, थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाए हल्की फुल्की सी। हाँ जी, और क्या हो सकता है? थोड़ा सा आप मुझे यहाँ डिस्क्राइब करें तो मुझे पता लगेगा, कुछ लोगों को पता है कि मैनेजर क्यों बनना है, क्या रीजन है मैनेजर बनने का। और काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर पोर्टल फुल हो चुका है। यस, पोर्टल फुल हो चुका है, तो अपने अपने टीम्स को लिंक यूट्यूब का दे सकते हो, आपके अप्लायंस के पास लिंक आ चुका होगा, राइट? तो लोग कह रहे हैं सर ड्रीम लेवल होता है, बिल्कुल जी ड्रीम लेवल होता है हर इंसान का। जब भी कोई इंसान फॉर एवर लिविंग में आता है वो एएस बनता है, उसका ड्रीम लेवल होता है मैनेजर। अब ड्रीम अचीव कैसे होता है, लेकिन लेवल तो ड्रीम है, अचीव कैसे होगा? प्रॉपर एक रोड मैप के साथ, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एक गोल के साथ। ठीक है, सो वो सारी चीजें के बारे में आज बात करेंगे हम। ठीक है, तो आप मीटिंग में प्रॉपर तरीके से बने रहना, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे हम अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ये ट्रिपल टी के ऊपर वर्क करना है। ट्रिपल टी क्या? ट्रेनिंग। सेकंड टी ट्रेनिंग, एंड थर्ड टी इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। अब आप बोले सर ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही लगाने, नहीं, ट्रेनिंग पहले लगानी है। जैसे अभी आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, तो अभी आपने क्या करना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, और ट्रेनिंग्स ऐसे लेनी कि मुझे आने वाले टाइम में अपने टीम्स में ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेनिंग है ट्रेनिंग लेनी है, सेकंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग देनी है, और थर्ड ट्रेनिंग की मुझे ट्रेनिंग देने वाले अपने टीम में बिल्ड करना है। ये है ट्रिपल टी। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आपको आपकी टीम के अंदर लीडर मिलेंगे। लीडर मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि बिजनेस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसकी टीम इंक्रीज होती है, जो इंसान बस टाइम पास कर रहा है उसकी टीम नहीं इंक्रीज होती। आप देख लेना, ये रियलिटी है, क्योंकि ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है। मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो? कहीं ऊपर से तो नहीं बातें जा रही, बाउंस तो नहीं हो रही? तो ये लाइन आप नोट डाउन कर सकते हो अपने डायरी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको आज से लेना स्टार्ट करना, अपनी और जो लोगों की टीम बिल्ड करो उन लोगों की। ठीक है, तो ये ट्रिपल टी के ऊपर काम करना है। पहले ट्रेनिंग ऐसे, जैसे काफी सारे लोग जब ट्रेनिंग लगाते हैं तो कहते हैं जस्ट ट्रेनिंग आज हमने लगाई अच्छी थी, बस ट्रेनिंग सुन के अगले दिन भूल जाते हैं। हमें ऐसे ट्रेनिंग कोई भी नहीं अटेंड करनी। अगर आप चाहते हो मैनेजर बनना, आपको ट्रेनिंग जो भी अटेंड कर रहे हो उसके नोट्स बनाओ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उस नोट्स को रिवाइज करो, क्या सर ने ये लाइक स्लाइड के ऊपर ऐसे बोला, मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कि आपको फील हो कि हाँ यार अगर सर ने 10 स्लाइड आज दिखाई तो सर ने 10 स्लाइड के बारे में प्रॉपर डिटेल में नॉलेज दी, मैं 2 स्लाइड से अच्छे से बोल सकता हूँ, तब आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे। ठीक है, जिससे आपको वो मैनेजर तक का ये बीच का ना जो गोल है, ये जो टारगेट है, वो धीरे धीरे आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये ट्रिपल टी के ऊपर आज से आप वर्किंग करने स्टार्ट करें। आज से कोई भी ट्रेनिंग, जस्ट ट्रेनिंग के लिए नहीं मत अटेंड करना, आज से जो भी ट्रेनिंग अटेंड करोगे ये समझना कि कल मुझे वो ट्रेनिंग देनी है, और आने वाले टाइम में मुझे अपने टीम के अंदर ट्रेनिंग देने वाले बनाने हैं, तो आज से करेंगे ये। हाँ जी, कमिटमेंट लोगे आज से तो आपको ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी अपनी। ठीक है, आगे हम चले। साथ में आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, जो भी आप प्रोफाइल यूज करते हो, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, लिंक्डइन, जो भी प्रोफाइल को आप यूज करते हो उस पर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। ठीक है, जो भी आपका प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करें। ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो यार मैं बिजनेस के बारे में अप्रोच कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल लगी नहीं थोड़ी सी भी बिजनेस वाली, तो पर्सन कहेगा नहीं यार इसके साथ बिजनेस नहीं करना, किसी और को ढूंढ लेता हूँ मैं। तो अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा बिजनेस प्रोफाइल बनाए। ठीक है, अपनी फोटोज मेंशन करें, डालें। ठीक है, क्योंकि कितनी बार होता है कि हम लाइक प्रोफाइल तो बना लेते हैं लेकिन वहां पर मोटिवेशन कोड डाल देते हैं, जब कोई आता है प्रोफाइल पर देखता है, या हम किसी को डीएम करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसको लगता है ये फेक प्रोफाइल है। तो ऐसा भी ना फील हो, ठीक है, कि प्रोफाइल ओरिजिनल लगे।
राइट। और साथ में आप बिजनेस कर रहे हो, आप फॉर एवर लिविंग के साथ इन्वॉल्व हो, टीम फायर के साथ इन्वॉल्व हो, आप खुद को प्रमोट करो, ना कि फॉर एवर को, ना कि प्रोडक्ट को। क्योंकि कोई भी इंसान आपके साथ बिजनेस में आएगा तो वो सबसे पहले आपको देखेगा, ठीक है, कि मैं किसके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एवर तो आप बता रहे हो बहुत अच्छी कंपनी 170 देशों में चल रही है, वो कह रहे हैं हाँ इट्स गुड, आपको वो देखिएगा। अगेन आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस खुद को प्रमोट करने का। आज आप सभी में से काफी सारे लोग मेरे साथ डायरेक्ट में वर्किंग कर रहे हैं, काफी सारे टीम्स में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो आज नहीं तो कल आपने भी जब हम कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर भी सेम है, ठीक है। ये इतनी कंट्रीज घूम चुके हैं तो ऐसी कंट्रीज में मैं भी घूमूंगा, क्योंकि मैंने भी आज से 6 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने भी अपलायंस की प्रोफाइल देखी थी। उनको देख के मुझे ही फील हुआ था कि अगर ये फॉरेन कंट्रीज घूम रहे तो मेरा फ्यूचर भी सेम है, राइट। तो सेम ये चीजें आपको लाइक इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर। साथ में आप वन टू वन लोगों को अप्रोच कर सकते हो बिजनेस के लिए, ठीक है। सो लाइक साथ ही आप लिस्ट मेकिंग कीजिए, जैसे कि आपको बताया गया हो कि लिस्ट बनानी है हमें, एटलीस्ट 100 लोगों की लिस्ट मेकिंग कीजिए, उस लिस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। लोग कहते हैं, बहुत बार मुझे लोग मिलते हैं कहते हैं सर हमने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट खत्म हो गई हमारी। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती दोस्तों, चाहे आप आज 1 साल हो गया आपको फॉर एवर में, चाहे 1 महीना, चाहे 6 साल हो गए, मेरी लिस्ट आज भी नहीं खत्म है, मेरी लिस्ट आज भी पड़ी हुई है, डेली लिस्ट एड ऑन हो जाती है, नए लोग मिल जाते हैं डेली लिस्ट के लिए, ठीक है। तो लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है। साथ ही आप पेड प्रमोशन के ऊपर भी काम कर सकते हो, लेकिन ये अभी नहीं करना, अभी आप नए हैं तो आपके पास पहले ही आपका सर्कल ही काफी है, पहले सर्कल के ऊपर काम कीजिए, उसके बाद वो आपके लिए सेकंड ऑप्शन है पेड प्रमोशन, राइट। साथ ही आप अपने लाइक कुछ फॉर्म डिजाइन कर सकते हो, लाइक गूगल फॉर्म या सर्वे हट का फॉर्म है, वो आप डिजाइन करके उसे प्रमोट कर सकते हो अपने व्हाट्सएप के ऊपर। अपने जो दोस्त हैं जिनको आपको लगता है कि यार ये बिजनेस के लिए नहीं मान रहा है, तो उससे आप फॉर्म सर्कुलेट कर लो, उसी ग्रुप में अपने फॉर्म सर्कुलेट करवा लो, जहाँ से आपको काफी सारे लीड मिल सकती है, काफी सारा सर्कल मिल सकता है, जहाँ से उस सर्कल के साथ आप काम कर सकते हो, राइट। और जो भी वेबिनार्स होते हैं, जैसे आज हमारे आज के टाइम पे वर्कशॉप चल रहे हैं एवरीडे, ठीक है, वर्कशॉप हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उसको आप प्रमोट करें, ठीक है। उसको लाइक उन फोटोज को, उस लाइक पोस्टर को आप प्रमोट करो, जहाँ से आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। मैं आज मॉर्निंग की बात बताता हूँ, आज हमारा मेरा पोस्टर था रोड टू मैनेजर, मेरे कुछ टीममेट ने लगा रखा था पोस्टर, तो उनके मुझे मैसेज आया कि सर हमें इससे भी लीड मिल गई। मैंने कैसे करे, दो तीन दोस्तों ने वो देखा रोड टू मैनेजर का पोस्टर और कहते हैं कि ये क्या कौन सी मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने बोला कि मैनेजर कैसे बनते हैं, उसकी मीटिंग आज होने वाली है, कैसे महीने का 50,000 से लेके 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो बोलते हैं हमें भी लगवा दो, वो कहते हैं ऐसे नहीं मिलती है मीटिंग। तो वहां से भी उसको लीड मिल गई, कह रहे आज 2 दिन वेबिनार आपके पोस्टर से ही हो गए। तो वही चीज है कि आप प्रमोट किस तरीके से कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट। अगर आप प्रमोट करो तो आपको लीड हर तरीके से मिलती है, राइट। आगे चले हम, साथ में आप कोई भी लाइक फोटोज पोस्ट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ गुड एडिटिंग एप्स यूज कर सकते हो, थोड़ी सी अच्छी तरीके से फोटोज को एडिट करके पोस्ट करें, ये नहीं कि जैसे खींची वैसे अपलोड कर, ठीक है। और साथ में कोई रॉन्ग कंटेंट नहीं डालना, ठीक है, कोई आप जॉब ऑफर नहीं कर रहे, ठीक है, आप प्रॉपर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है, यहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पर कमीशन मिलता है, और कहते हैं कमीशन इज ऑलवेज बिगर देन सैलरी, ठीक है, कमीशन हमेशा सैलरी से ज्यादा होता है। अब आप बोले सर कैसे, अंबानी का नाम आप सभी जानते होंगे, रिलायंस का नाम आप सभी जानते हो, टाटा का नाम आप सभी जानते होंगे, बिरला का नाम आप सभी जानते हो, ये जितने भी नेम मैं ले रहा हूँ किसी को भी सैलरी नहीं मिलती, अंबानी को कोई सैलरी नहीं देता, अंबानी किस पे वर्किंग कर रहा है, कमीशन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सेम है कि आप भी उस टक्कर में बैठे हो, बस वही है कि आपको उस लेवल पे अपना नेटवर्क बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर करते हो तो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, क्योंकि सारी गेम नेटवर्क की है, सारी गेम टीम की है, राइट। साथ में अपना काम सबसे पहले अपने नोन सर्कल से स्टार्ट करें। हम कितनी बार सोचते हैं कि हमारा नोन सर्कल नहीं आएगा, राइट, और मेरा मानना है अगर नोन सर्कल आ गया तो बिजनेस भी काफी अच्छा दे जाएगा। मेरे साथ हुआ, मेरे साथ भी मेरे नोन सर्कल नहीं आए स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में अपने नोन सर्कल को टच जरूर किया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं उन्हें टच ना करूं कोई और उन्हें बता देगा तो वो वहां ज्वाइन हो सकते हैं। आज मैंने उन्हें टच कर लिया, अगर वो उनके माइंड में कभी भी फॉर एवर करने का मन करेगा तो
तो मेरे साथ ही फॉर एवर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बता रखा है। तो सेम ये चीजें आप भी अप्लाई करें, कि ये मत सोचे कि जब कामयाब हो जाऊंगा तब बताऊंगा, पता लगे तब तक वो कहीं और सुपरवाइजर या AM बन गया, फिर उस टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो अपने नोन सर्कल को पहले ही आप अप्रोच करें, एवरी डे आप टारगेट लें कि एटलीस्ट 5 वेबिनार करवाने, 5 लोगों को प्लान दिखाना है एवरी डे, ठीक है। सोशल मीडिया पे एवरी डे एक्टिव रहे, ठीक है। एक्टिव रहेंगे तो ही आपके पास वहां से ऑडियंस आएगी, ठीक है। जो आपको सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आज नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को 2 दिन लगते हैं, कन्वर्ट हर इंसान होता है, याद रखना। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे तो कन्वर्ट होगा, एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई नहीं आपकी प्रोफाइल को देखने वाला, ठीक है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप एक्टिव रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो वहां पर आपको अच्छी रीच भी मिलती है, ठीक है। लोग ऑटोमेटिक वहां तक पहुंचते हैं और आपसे आपको कांटेक्ट करते हैं, राइट। और साथ में आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो कैसे काम कर पाएंगे, एग्री मेरी बात से। जाग रहे हैं जी सभी, बोर तो नहीं हो गए? बताओ, बोर हो गए तो मूवी वगैरह लगा लेते हैं फिर। नोट्स का बना रहे हैं, नोट्स जो मैं बता रहा हूँ, नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोट्स आपको मीटिंग के बाद रिवाइज करने में इजी रहेंगे, क्योंकि मीटिंग तो मैं देख के 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगी मीटिंग, लेकिन जो नोट्स होंगे वो आपकी लाइफ टाइम रहेंगे, जो कि आपको बार बार याद लाएंगे कि हाँ, मैं तूने ये किया था, तूने ये किया, तूने ये किया था, ठीक है। साथ में आपने क्या करना, आपका फर्स्ट मंथ था ये, काफी सारे लोगों का जिन्होंने ES लेवल किया है, या जो पुराने भी हैं आप भी आज अपना फर्स्ट मंथ समझिए कि मेरा फर्स्ट मंथ है, जितने भी ES सुपरवाइजर हैं। अब आपने अपना फर्स्ट लेवल किया है, 2CC का बिजनेस डन किया, ठीक है। लिस्ट आपने बना ली है 100 लोगों की, साथ में ड्रीम लिस्ट बनानी बड़ी जरूरी है, कि आपके सपने क्या क्या, किस ड्रीम के लिए आप यहाँ तक पहुंचे, वो ड्रीम नोट डाउन करने बड़े जरूरी है। साथ में वो ड्रीम आपके फोन के वॉलपेपर भी होने चाहिए, ये ड्रीम लिखे हुए, यहाँ किसी की फोटो नहीं लगी हुई है फोन पे, यहाँ बस ड्रीम लिखे हुए। अब एक दोस्त ने ये देखा मेरा वॉलपेपर, कहता है कि यार इतना महंगा फोन लेके फोटो क्यों लगाया किसी की, या अपनी क्यों लगाई फोटो। मैंने कहा जो ड्रीम लिखे ना इसी से तो फोन आया था, वो थोड़ी देर सोचने लग गया, कह रहा कैसे, मैंने ये ड्रीम से ही आज 1.5 लाख का फोन आया, और इस ड्रीम से ही ड्रीम पूरे होते हैं, फोटो लगा के ड्रीम नहीं पूरे होते किसी के, राइट है। तो आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, वो आप नोट डाउन कीजिए अपने लाइक फोन के ऊपर, अपने वॉलपेपर के ऊपर एक नोट लाइक ड्रीम बोर्ड बनाइए अपने घर में, जहां आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो वहां पर आपका ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। ड्रीम लिस्ट बनानी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रीम बोर्ड बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जब नया नया था फॉर एवर लिविंग के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में अपना ड्रीम बोर्ड बनाया था, ठीक है। घर पे बनाया एक लाइक पोस्टर लेके आया, उस पर ड्रीम लिखा कि गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, इतने दिनों के अंदर मैनेजर बनना है, 1 लाख रुपए कमाने हैं। सो हुआ क्या कि जब ड्रीम बोर्ड बनाया तो घर वाले देखने लग गए कि ये अलग से इसने एक वॉलपेपर पे पेज सा चिपका दिया इतना बड़ा, कहते ये क्या है, मैंने ये ड्रीम बोर्ड है, ड्रीम लिस्ट है, कहते ये क्या होती है, मैंने इसको लिखने से ना सपने पूरे होते हैं, घर वाले हंसने लग गए, कह रहे लिखने से कौन से सपने पूरे होते हैं, मैंने होते हैं जी, तो वहां मैंने लिख रखा था, घर वाले पढ़ने लग गए, कह रहे इसने लिख रखा घर लेगा, घर वाले हंसने लग गए, कह रहे इसने लिख रखा कि गाड़ी लेगा, हंस रहे, फिर घर वाले कह रहे इसने लिख रखा कि 1 लाख रुपए कमाएगा, अब पापा मम्मी और सिस्टर तीनों हंस रहे बैठ के, और मैं उन लोग को देख रहा, मैंने ये हंस क्यों रहे, वो कह रहे कुछ नहीं होने वाला, मैंने कहा एक दिन ये हंसी बंद हो जाएगी, जिस दिन हो गया। तो हुआ क्या, उस दिन घर वाले हंसते थे, अभी मैंने कल परसों फिर अपने गोल दोबारा लिखे 2024 के, जब मैं लिख रहा था बोर्ड लगा रहा था तो मेरे मदर मुझे क्या बोलते हैं कि लिख दे तूने तो पूरे कर लेने, अब घर वालों की वर्डिंग चेंज हो गई, उस टाइम हंसते थे, आज कहते लिख दे जो तूने लिखी है वो पूरे कर लेगा, और जो चीज़ लिखी थी वो सारी चीजें पूरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, जो ड्रीम सोच के मैं फॉर एवर में आया था, एक घर चाहिए था है, एक गाड़ी चाहिए थी है, एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए था है, ट्रिप चाहिए थे कर लिए, तो जो चीज़ सोच के आया था वो सारी चीजें अचीव की, क्योंकि ड्रीम बनाया था। सो आज बनाएंगे आप सभी, कितने लोग हैं जो बनाएंगे अपना अपना ड्रीम आज, बिल्कुल बनाना पड़ेगा अगर अचीव करना है तो, राइट। उसके साथ साथ ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको काफी सोसाइटी में लोग नेगेटिव मिलेंगे, जो बोलेंगे कि कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, लोग
लोगों ने पहले ज्वाइन किया था वो हो गए कामयाब, आप नहीं हो पाओगे, ठीक है, वो सारी चीजें आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, जो इंसान आपको नेगेटिव कर रहा है, आप उसको एक बार चेक तो करो वो किस लेवल पे, वो क्या कर रहा है, वो 2 लाख कमा रहा है, वो 4 लाख कमा रहा है महीने के, अगर वो कमा नहीं आता तो वो कैसे नेगेटिव कर सकता आपको, हाँ जी, वो कैसे आपके ड्रीम लाइफ में घुस सकता है जो कुछ करे नहीं है। तो हम उस इंसान की बात सुन लेते हैं जो मार्केट में जिसने कुछ किया ही नहीं अभी तक। मुझे भी काफी सारे लोगों ने बोला था, मेरे रिश्तेदारों ने बोला था, अभी मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मेरे मामा जी आ रखे थे, उन्होंने मुझे उस टाइम 1-2 घंटे कॉल पे टाइम लगाया था कि राहुल ये है वो है, लाइफ खराब कर रहा है, कुछ नहीं बनने वाला, हमने बहुत कंपनियां कर रखी हैं, इन कंपनियों के चक्कर में मत पड़, बहुत कुछ बोला। अब जब आए थे तो मैं उनको लेने गया रेलवे स्टेशन, बैठे गाड़ी में, कहते गाड़ी कहाँ से आई, मैंने कहा उसी कंपनी से आई जिसके लिए आपने मना किया था। कह रहा अच्छा, अच्छा सिस्टम बन गया, मतलब बिल्कुल अच्छा बन रखा। कह रहे कितने कमा लेते हो, मैंने कटकटा के 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, कह रहे तो अच्छी इनकम है। अब मैंने बोला इनको भी 1 लाख ही बोले, अगर 4 बोलते तो क्या होता, समझ में आ रही बात। तो फिर उसके बाद उनकी एक वेडिंग थी जो उन्होंने मुझे बोली, कह रहा हमें तो पता था कि तू कुछ एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अब आप एक चीज समझ के देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में उन्होंने भी मुझे नेगेटिव किया, मना किया, लेकिन मैं लगा रहा, मैंने उनकी सुनी नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी, बस मैंने अपनी सुनी, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ दिख रही थी। तो सेम है, अब आपको डिसाइड करना आपने किसकी सुननी है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑलवेज कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी एक्टिव अपलाइन के साथ। अपलाइन ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, कि अपलाइन ने बोल दिया ये करना आज, दो रजिस्ट्रेशन करानी तो करानी है भाई, जैसे मर्जी करानी पड़े। अपलाइन ने बोल दिया 10 PPT करानी है तो करानी है, अपलाइन ने बोल दिया 50 कॉलिंग करनी है तो करनी है जी, ठीक है। बस वो सोच लो कि अपलाइन ने कमांड दे दिया, आपको कमांड पूरा करना पड़ेगा। फौज में होता है ना कि कमांडर ने कमांड दे दी है तो वो फिर पत्थर की लकीरी होती है जी, वो पूरे करके ही जाना पड़ता है, नहीं तो फिर सजा मिलती, रात भर गन लेके भागो, 10 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, ठीक है। तो आपको कमांड माननी पड़ेगी, मैंने भी मानी थी, मैं आज भी मानता हूँ। मैं अभी मीटिंग से 2 घंटे पहले मैं सर के साथ था, अपनी अपलाइन के साथ 2-3 घंटे में टाइम स्पेंड के घूमने फिरने चले गए थे हम, ठीक है। तो और उस 2-3 घंटे में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा आज, ठीक है। तो सेम है कि आप अपनी अपलाइन अगर आपको सपोर्ट करिए, गाइड करिए, तो उसकी वैल्यू करें, ठीक है, टाइम को यूटिलाइज करें, ना कि टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है। आप लोग बोलते हैं ना, काफी सारे जो यूथ नया नया आता है, कहते हैं अभी तो हम बड़े छोटे हैं, 18 साल के, छोटे नहीं हो, बहुत बड़े हो चुके हो, 18 साल निकल चुके हैं लाइफ के, 20 साल के बहुत बड़े हो चुके हो, 25 साल के तो और बड़े हो चुके हो, ठीक है। 18 साल में तो गवर्नमेंट कहती है आप बड़े हो चुके हो, आपको वोट डालना चाहिए। अभी भी हम कह रहे हैं अभी छोटे हैं बच्चे, तो हम बहुत बड़े हो चुके हैं, अब हमें अपनी लाइफ की, हमें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, राइट। आगे हम चलते हैं, अब हमें करना क्या है, अब हमें मैनेजर तक बनने के लिए जो जैसे जो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर, उस चीज को फॉलो करना, जितनी भी चीजें मैंने बताई, सबसे पहली चीज आपको क्या करना, अपना डेली का टाइम टेबल सेट करना, वर्किंग टाइम टेबल। अगर आप पार्ट टाइमर है, नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप पार्ट टाइमर है तो आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे मिनिमम। पार्ट टाइमर है एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 PPT एवरीडे करानी पड़ेगी पार्ट टाइमर है, तो फुल टाइमर है 10 PPT करानी पड़ेगी, 8 घंटे देना पड़ेगा फॉर एवर लिविंग में, एटलीस्ट 8 घंटे, 8 आवर्स। ओवर टाइमर है तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितने मर्जी घंटे काम कर सकते हो, ठीक है। और ओवर टाइमर तो PPT भी एक्स्ट्रा करा सकते हो। प्लान, लोगों को प्लान दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाइए, PPT मीन्स कि लोगों तक अपने प्लान को शो करें, अपने बिजनेस को दिखाइए, तो ही आप के साथ टीम बनेगी, ठीक है। तो पार्ट टाइमर 2-3 PPT, फुल टाइमर 8 से 10 PPT, लाइक ओवर टाइमर उससे ऊपर जितनी मर्जी करा लो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। डेली की पार्ट टाइमर एक रजिस्ट्रेशन आपकी चाहिए, जो पार्ट टाइमर है फॉर एवर लिविंग, 4 घंटे जो दे रहे, जो फुल टाइमर है एटलीस्ट कम से कम 4 रजिस्ट्रेशन, 3 से 4 रजिस्ट्रेशन एवरीडे करनी पड़ेगी, अगर आपको मैनेजर बनना है जल्दी, अगर आप चाहते हैं 6 महीने मैनेजर बनना तो मैं बता रहा हूँ, और अगर चाहते हैं 2 साल 1 साल तक बनना तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
एटलीस्ट 3 से 4 रजिस्ट्रेशन एवरी डे, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करा ली, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको 1 हफ्ते का प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है, 1 हफ्ते उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना। यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं उसको मत रीड करना, जो मैं बता रहा हूँ उसको बस समझना, ठीक है। आपने एक 7 डेज का प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम उन्हें प्रोवाइड करना है, जिसमें बीओपी ट्रेनिंग होगी, मार्केटिंग प्लान की, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, थर्ड पार्टी होगी, प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, डिमांड एंड सप्लाई, ये जो आपको ट्रेनिंग्स आपकी अपलाइंस प्रोवाइड करती है वो ट्रेनिंग्स उन्हें देनी है, ठीक है। उस ट्रेनिंग को देते देते अपनी अपलाइन के साथ उन्हें कनेक्ट करना, ठीक है। अपनी अपलाइन के साथ जो अपलाइन मीन्स जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, मतलब आपके लीडर, उनके साथ कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग एएस लेवल, और एएस लेवल के बाद लीडर बिल्ड करना, वो आपकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपलाइन साथ साथ आपके साथ काम करवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने वाली है कि आप मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहां पर होता क्या है, वहां पर आप अकेले काम करते हैं। किसी भी मार्केट में प्लेटफॉर्म में आप देख लीजिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर फॉर एवर लिविंग में आपके साथ आपकी अपलाइन लाइफ टाइम रहती है। लाइफ टाइम आपकी अपलाइन बोलती है, तो मुझे बता कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, कौन सा प्लेटफॉर्म मार्केट में, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सपोर्ट मिल रही है लाइफ टाइम की, वो भी फ्री सपोर्ट है, पेड सपोर्ट नहीं है, फ्री सपोर्ट। जबकि अपलाइन का काम था कि यार आपको मैंने 2 लाख कमाने सिखा दिए, अब आप खुद काम करो, लेकिन अपलाइन कहती है अभी भी बता कोई दिक्कत नहीं है, मिलके करेंगे, राइट। तो यहाँ आपको लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट लेनी पड़ेगी। कहते ना, याद रखना कि तो सपोर्ट दी नहीं जाती, सपोर्ट ली जाती है, तो आपको सपोर्ट लेने वाला बनना पड़ेगा, राइट। कि आपकी अपलाइन आप पे टाइम लगाए, खुद आके टाइम लगाए, तब लगाएंगे जब आप कुछ करके दिखाओगे। जब आप रिजल्ट निकालोगे तो अपलाइन अपने आप ही आपकी तरफ सपोर्ट देने स्टार्ट कर देगी कि हाँ इसको टाइम देते, इसको सपोर्ट करते हैं, और आने वाले 2 4 5 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर इसे मैनेजर बनाते हैं जल्दी से जल्दी। अगर आपकी अपलाइन को दिख रहा है कि भाई आप टाइम पास कर रहे हो, तो याद रखना आपकी अपलाइन ने आपको पूछना भी नहीं, याद रखना। वो कहेंगे यार इसको छोड़, तो दूसरे पे टाइम लगा, उस पर टाइम लगा, उसको बनाते पहले, ये अपना आप बाद में जब इसका दिमाग सेट होगा तो इसको तब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है आप सभी ने, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, साथ में अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप इस मंथ का टारगेट लीजिए, आप सभी, आज दिसंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, इस मंथ का टारगेट लीजिए एटलीस्ट 4 सीसी करने का मिनिमम। 4 सीसी आप सभी ने अपने डायरेक्ट पे अचीव कर, कितने सीसी करने हैं जी, 4 सीसी। 4 सीसी अचीव करने के लिए आपको मिनिमम 2 अपने डायरेक्ट में एएस करवाने पड़ेंगे। वैसे तो अगर आप जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जो फुल टाइमर है, ये पार्ट टाइमर 4 सीसी कर सकते हैं, फुल टाइमर तो ज्यादा करें, 6 सीसी, 8 सीसी या 10 सीसी, ठीक है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि हमारा नेक्स्ट मंथ वर्कशॉप होने वाला है। सभी को पता है, कितने लोगों को पता है वर्कशॉप के बारे में, नहीं पता है। नेक्स्ट मंथ हमारा लाइक बिजनेस वर्कशॉप होने वाला चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। उस वर्कशॉप के अंदर हमारे जो ग्रेट सीनियर है, जो टीम फायर के फाउंडर हैं, मिस्टर अरविंद शर्मा जी, जिनके नीचे हजारों मैनेजर आज काम कर रहे हैं, और हजारों मैनेजरों के पास गाड़ी का नंबर 64 है, 64 नंबर ही गाड़ियां हैं हजारों मैनेजर्स के पास, वो वहां पर आपको सुनने का मौका मिलेगा, उनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जो उनकी ग्रेट अपलाइन है, जिसे हम कहते हैं महागुरु, मिस्टर मनदीप कंबोज जी, जिन्होंने जिनको इस सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट 12 13 14 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ के आए थे फॉर एवर लिविंग के लिए। मैंने नहीं छोड़ी 1.5 लाख की, आप में से भी कोई नहीं ऐसा जो 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के आया हुआ। उन्होंने 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के फॉर एवर स्टार्ट की, आज फॉर एवर लिविंग के अंदर मतलब उनकी टीम में तो काउंटिंग नहीं मैनेजर्स की, ठीक है। वो वहां पर सुनने के लिए मौका मिलेगा आप सभी को, ठीक है। तो वो दो लाइक ग्रेट पर्सनैलिटी उस वर्कशॉप में आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने उनकी मीटिंग लगा ली तो आप 80% मैनेजर बन जाओगे, समझ में आ रही बात। अगर उनकी मीटिंग लगा ली आपने, तो वर्कशॉप होने वाला अगले महीने, डेट कंफर्म कर दूं अभी कि डेट आपको अपनी अपलाइन से जानना। हाँ जी, डेट अभी मैं लाइक रुक के कंफर्म करता हूँ, फिर डेट आप लोग को आपकी अपलाइन बता देंगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट वीक में ही है ये, मैं कंफर्म कर देता हूँ, फर्स्ट वीक में होगा, जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर। और साथ में जिस डेट को हमारा इवेंट है, लाइक वर्कशॉप है, उसी डेट को हमारा लाइक 4 सीसी पार्टी भी है। 4 सीसी पार्टी के काफ़ी सारे नए दोस्तों को, जिनको नहीं पता वो 4 सीसी पार्टी क्या है,
अगर आप 4cc का बिजनेस लाइक अपने डायरेक्ट में डन करते हो तो आपको हमारी तरफ से एक फ्री पार्टी मिलती है, ठीक है, फ्री में पार्टी मिलती है, उस पार्टी को आप फ्री में एंजॉय करते हो, ठीक है। सो अगर वो पार्टी अचीव करना चाहते हो तो अपने अपने डायरेक्ट में क्या करना है, क्या करना है जी, 4cc करना। और 4cc करने में आपके लिए प्लस पॉइंट है, देखो पार्टी फ्री में मिल गई, चेक भी फ्री का है आपका, आपका ही चेक, चेक नहीं देना आपने, कहीं ये सोच रहे हो चेक, अगर चेक भी देना पड़े, नहीं वो आपका है, 12-15 हज़ार का चेक आ जाएगा आपका। सेकंड चीज प्लस पॉइंट, आपके पास दो नए टीममेट आ जाएंगे, हाँ जी, दो नए बिजनेस पार्टनर आपके टीम में आ जाएंगे, तो प्लस पॉइंट है कि नहीं है, है जी, जस्ट क्या करके 4cc करके। और अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हो उसके लिए मैं भी बताता हूँ, अगर आप 6cc, 8cc और 10cc, ये तीन और टारगेट है इसके बाद के, 6cc, 8cc और 10cc, अगर आप इन दोनों तीन टारगेट को अचीव करते हो तो पार्टी के साथ साथ आपको 6cc करने पे, 8cc करने पे और 10cc करने पे आपको ट्रॉफी मिलेगी उस सक्सेस डे के अंदर, ठीक है, जहां पर हमारे जो ग्रेट सीनियर है मिस्टर मनदीप सर एंड अरविंद शर्मा जी, अरविंद सर, उनके थ्रू आपको ट्रॉफी भी मिलेगी, ठीक है। सो अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, पार्टी के साथ एडिशनल चीजें और लेनी तो ले सकते हो, साथ में एडिशनल ट्रॉफी के साथ साथ और भी बेनिफिट है, टीम बढ़ेगी, एक और बेनिफिट है, चेक बढ़ेगा, सारे बेनिफिट आपके ही हैं, तो अब बताओ बेनिफिट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए जी, राइट। अब साथ में और अब आगे चलते हैं, ये तो था स्टार्टिंग लेवल, दिसंबर तक की गेम बता रहा था, अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में क्या करें, हाँ जी, उसके उसके बारे में जाने थोड़ा सा, चलो आगे हम चलते हैं, जस्ट एक मिनट, बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो सो अभी देखिए क्या किया हमने इस मंथ के अंदर, इस मंथ में मैंने मिनिमम टारगेट क्या दिया था, याद है कि भूल गए, एक बार मुझे बताइए, मिनिमम टारगेट हमारा क्या था, 4cc, फिंगर्स हमारे पास पांच है, भगवान ने दिए चार ही बताई थी मैंने तो, 4cc मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझना हमने क्या किया, 4cc किया, यहाँ आपको रिटर्न में दिख रहा लिखा हुआ, जस्ट एक मिनट थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको, हाँ जी अभी दिख रहा होगा, 4cc हमने डन किए कब, हमने दिसंबर के अंदर 4cc डन किए, ठीक है, और हमारे पास टोटल 3 AS की टीम बन गई, बन गई जी। अब हमारे पास 3 AS थे, हमने जनवरी मंथ में, जैन मंथ के अंदर हमने उन 3 AS को क्या सिखाया जी, क्या सिखाया, 4cc, यहाँ दिख रहा है आपको लिखा हुआ, दिख रहा होगा अभी तो प्रॉपर तरीके से, कितने सीसी हो गए, कितने सीसी हो गए जी, 12 CC हो गए, 12 CC हो गए, मतलब आपका क्या हुआ, आपका बेस रेडी हो गया सुपरवाइजर लेवल के लिए जनवरी मंथ के अंदर, जस्ट क्या करके 4cc का बिजनेस किया और करवाया, राइट। अब जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, फेब मंथ आता है, अब फेब मंथ में आपके पास कितने AS हैं, 12 CC हुए तो कितने AS, मतलब कितने लोगों की टीम आ गई आपके पास, 6 लोगों की, 6 AS आपके पास थे, और पुराने वाले कितने थे, पुराने वाले थे 3 AS आपके पास, टोटल कितने हो गए, ये 9 AS की टीम होगी आपके पास, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, 9 AS की टीम आपके पास आ चुकी है, और इन 9 AS को आपने क्या सिखाया, गिर 4cc, कितने सीसी का बिजनेस हुआ, 36, कितने सीसी का बिजनेस हुआ, 36 CC का, जस्ट एक मिनट अभी क्लियर है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हाँ जी,
अभी ठीक है, कितने सीसी का बिजनेस हुआ, कौन से मंथ में, फेब मंथ में 36 सीसी का बिजनेस किया, और जनवरी में हमने किया 12 सीसी का बिजनेस, तो टोटल मिला के अप्रोक्स हमारा हो गया 48 सीसी 2 महीने के अंदर। और हमें सुपरवाइजर के लिए कितने बिजनेस, कितने सीसी करने थे, 25 सीसी, लेकिन हमने टोटल 2 महीने में कितने डन किए, 48 सीसी। हमने 48 सीसी से क्या कर लिया, सुपरवाइजर लेवल। वैसे तो हमारा 1 महीने में ही लेवल हो गया, फेब मंथ में ही 36 से ही हम क्या बन गए, सुपरवाइजर, राइट है, सुपरवाइजर लेवल कर लिया। और हम, हमारे पास इस टाइम पे सुपरवाइजर लेवल करते ही काफी बड़ी टीम होगी, अप्रोक्स हमारे पास 18 प्लस 9 27 पीपल्स की टीम हो चुकी है। अब हम चलते हैं, इसके बाद कौन सा मंथ आएगा, मार्च मंथ, मार्च मंथ में चलते हैं। मार्च मंथ में हमारे पास 36 सीसी हुए थे, 36 सीसी का हाफ कितना होता है, 18, 18 AS हमारे पास थे, 18 AS प्लस हमारे पास जो ओल्ड AS थे 9 AS थे, दोनों को मिला के कितने हो गए जी, 27 AS हो गए हमारे पास। और इन 27 AS को हमने क्या सिखाया, 4 CC, कितने हो गए जी, 108 CC, कितने CC हो गए जी, 108, 108 प्लस 36 144 CC। और हम क्या बन गए, हमने 2 महीने के अंदर किए 144 CC, फरवरी और मार्च के अंदर, और क्या बन गए, मैनेजर। जस्ट स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लेकिन 4 CC से, बेसिक से स्टार्ट हुआ। ये बेसिक लोगों को नहीं समझ आता जल्दी, जिसको ये बेसिक समझ आ गया फिर उसके लिए 3 4 महीने की गेम है, जिसको बेसिक नहीं समझ आया उसको फिर 1 2 साल बेसिक समझने में लग जाता। तो आप पहले बेसिक फाइंड आउट कीजिए, बेसिक सीखिए, बेसिक क्या, 4 CC। तो और ये बेसिक कैसे क्लियर होगा, जब हम प्रॉपर तरीके से फर्स्ट कनेक्टिविटी रखेंगे, सेकंड माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है, फोकस बिजनेस पे रहेगा 100%, ठीक है, और साथ में बस 24 घंटे दिमाग में क्या चलेगा, काम, 4 CC, 24 घंटे दिमाग में 4 CC, तो अचीव होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो दिसंबर मंथ में हमने क्या किया, 4 CC किए, मतलब इस मंथ हमने 4 CC किए, 2 AS बनाए अपने टीम के अंदर, एक हम खुद थे, ठीक है, 3 AS हम टोटल हो गए। अब 3 AS ने जनवरी मंथ में 4 CC किए, तो टोटल 12 CC हुए, ठीक है जी, 12 CC हमने डन की पूरी टीम के साथ, 2 नए AS थे, हम खुद थे, तो हम 3 लोगों ने मिलकर 4 CC का बिजनेस डेवलप किया, तो 4 × 3 12 CC का बिजनेस डन हुआ, राइट। अब 12 CC हुए मतलब हमारी टीम में 6 नए AS आ गए, अब 6 नए AS आ गए, 3 हम पुराने थे, ठीक है, टोटल मिला के 9 AS हो गए, कौन से मंथ में, फरवरी मंथ में, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, फरवरी मंथ में टोटल 9 AS हो गए, और 9 AS ने मिलके क्या किया, 4 CC किए, जो हमने बेसिक सीखा था और सिखाया था टीम को, वो बेसिक चीज फॉलो की, वो बेसिक चीज को फॉलो करके हमारे टोटल 36 CC का बिजनेस हुआ, ठीक है, 36 CC का बिजनेस हुआ, और हम पूरे टीम के साथ क्या बन गए जी, 1 महीने के अंदर सुपरवाइजर, जस्ट विद इन 1 मंथ के अंदर हम सुपरवाइजर बन गए। अब 36 CC हुए तो इसका मतलब 18 नए लोग आए थे टीम के अंदर, राइट, उन 18 लोगों के साथ प्लस पुराने 9 लोग थे, उन सभी के साथ हमने टोटल टीम बिल्ड कर ली 27 पीपल्स की, 27 AS हमारी टीम के अंदर थे, और उन 27 AS के साथ हमने बिल्ड किया 4 CC का बिजनेस, तो हमने किया 108 CC, और 108 CC करके हम 2 महीने के अंदर क्या बन गए जी, मैनेजर, 108 प्लस 36 108 एंड 36 का बिजनेस डन करके टोटल 144 CC डन किए हमने, और हम बन गए मैनेजर, इजी है ना, हाँ जी, इजी है कि नहीं है, टाइप करके बता सकते हो इजी है या नहीं, यस और नो, है जी इजी, अब इजी तो है, करेगा कौन कौन,
कौन कौन करने के लिए रेडी है? हाँ जी, कितने लोग हैं? लेकिन उसके लिए पहले 4 CC करना पड़ेगा, बेसिक फॉलो करना पड़ेगा, और हमारे पास टाइम भी कम है। कितने दिन, आज डेट कितनी होगी? 5 है ना, 25 दिन रह गए बस। उसमें से भी कुछ लाइक फेस्टिवल डेज आ जाएंगे बीच में, फिर न्यू ईयर की लाइक पहले से लोग तैयारी करते हैं, नया साल आ रहा है। ठीक है, देखो नया साल हर दिन आता है। कुछ लोग बोलते हैं ना 1 तारीख को कोई सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है, डेली के नए साल है, बस सारी गेम ही है। पैसा कमाओ, हर दिन नया साल ही है, एवरी डे इज संडे। मेरे को एक दोस्त पूछता कि छुट्टी किस दिन होती है, मैंने डेली होती है, हमारी कौन सी छुट्टी है? कहता हमें संडे सैटरडे मिलते। मैंने कहा मुझे डेली मिलती छुट्टी। पैसा कमाओ, आपके हाथ में आपका डे है, राइट है जी? दिन तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस दिन छुट्टी करनी है, कि हम किसी और के ऊपर डिपेंड है कि इस दिन छुट्टी लेनी होती है। संडे छुट्टी का दिन है, संडे नहीं, हर दिन छुट्टी का दिन होता है। काम कुछ ऐसा करो, मैं लास्ट पूरे मंथ, मेरी सिस्टर की मैरिज थी लास्ट मंथ, मैं पूरे मंथ मैंने एक दिन भी काम नहीं किया, सिंगल डे भी वर्किंग नहीं है मेरी। फादर पूछते इनकम आएगी, मैंने बिल्कुल आएगी जी, कह रहे मुझे तो नहीं आएगी, मैंने कहा आपको नहीं आएगी, मुझे तो आएगी। कहते आ जाएंगे 10-20 हज़ार रुपये, मैंने 10-20 हज़ार लाख को ही आना है। क्यों? क्योंकि हमने एक एम्पायर बिल्ड कर रखा है, वो एम्पायर एक बार बिल्ड किया है, वो लाइक टीम एक बार बिल्ड की है, वो टीम खुद के लिए भी काम कर रही है और मेरे टाइम को भी यूटिलाइज कर रही है। समझ में आ रही बात? तो वही टीम आपको बिल्ड करनी सीखनी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन प्रॉपर फोकस रहेगा तो सीखते चल जाओगे। और सीखना कभी बंद नहीं करना होता, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपने कमाना बंद कर दिया। मैं आज भी सीख रहा हूँ कि आगे 5 लाख कैसे आएगा, 10 लाख कैसे आता है, वो सीख रहा हूँ मैं। तो आपको भी ये लर्निंग अपनी एवरेज रखनी है। तो रेडी हो क्या करने के लिए? मिनिमम मिनिमम बोला मैंने, इससे ऊपर सोच सकते हो, कहीं यहीं पर माइंडसेट बना लिया हूँ कि राहुल सर तो बस 4 CC बोल रहे थे, 6 करोगे तो आपको बताया 6, 8, 10 करने पे एडिशनल बेनिफिट। कौन से बेनिफिट? जहां पर आपको ट्रॉफीज मिलेंगी। और एक काम और करना, आज 5 तारीख है, 7 तारीख लास्ट डेट है पासेस बुक कराने।